जय बाबा अमरनाथ बर्फानी, भूखे को अन्न प्यासे को पानी। नमस्कार दोस्तों, अगर आप भी इस वर्ष अमरनाथ यात्रा का प्लान बना रहे हैं और आपको जानकारी चाहिए कि अमरनाथ कब जाना है, कैसे जाना है, रजिस्ट्रेशन कब से शुरू हो रहे हैं, मेडिकल सर्टिफिकेट कहां से बनवाना है, कौन कौन से डॉक्टर्स की लिस्ट जारी की गई है, तो सारी जानकारी आपको इस वीडियो के जरिए दी जाएगी। और सबसे ज़रूरी चीज़ कि आप कम से कम खर्चे में कैसे अमरनाथ यात्रा कर सकते हैं, वो भी एकदम आसानी से बिना किसी समस्या के। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, लेकिन इससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं कि अमरनाथ आपको कब जाना चाहिए, सीजन कौन सा सही रहेगा। तो वैसे तो अमरनाथ की यात्रा जो होती है वो करीब 1.5 से 2 महीने तक ही होती है, और ये भी फिक्स रहता है हर साल। ये जून के एंड से शुरू होकर के अगस्त के एंड तक चलती है, और इस बार यानी 2023 में जो अमरनाथ की यात्रा है उसकी डेट्स आ चुकी हैं। तो इस वर्ष जो अमरनाथ की यात्रा है वो 1 जुलाई से लेकर 31 अगस्त तक चलेगी, यानी 1 जुलाई से लेकर के 31 अगस्त तक चलेगी। अभी तक 62 दिन की यात्रा किसी भी वर्ष नहीं हुई थी, 50, 55, 58 इतने ही दिनों की होती थी, लेकिन इस वर्ष 62 दिनों की यात्रा हो रही है 1 जुलाई से लेकर के 31 अगस्त तक। ये तो यात्रा की तारीख के बारे में। चलिए अब बात करते हैं कि आपको अमरनाथ जाने के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की जरूरत पड़ेगी। तो सबसे पहले जो है वो है रजिस्ट्रेशन। आपको सबसे पहले रजिस्ट्रेशन करना होगा, और रजिस्ट्रेशन शुरू हो चुका है जो कि 17 अप्रैल 2023 से ही शुरू हो चुका है। तो आप चाहें तो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन भी कर सकते हैं, और अगर आप चाहें तो ऑफलाइन भी रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। और रजिस्ट्रेशन करने के लिए आपको वेबसाइट नीचे दिख रही होगी स्क्रीन पे, इसी पे जाके आपको रजिस्ट्रेशन कर लेना है। और ये वेबसाइट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा, यहाँ पे जाके आप रजिस्ट्रेशन कर लें। और दूसरा जो सबसे ज़रूरी डॉक्यूमेंट है वो है आपका हेल्थ सर्टिफिकेट या फिर मेडिकल सर्टिफिकेट। तो हेल्थ सर्टिफिकेट या मेडिकल सर्टिफिकेट बनवाने के लिए सभी राज्यों के अलग अलग जिलों के डॉक्टर्स की लिस्ट जारी की गई है। नीचे वेबसाइट के जरिए आप जाएंगे तो यहाँ पे आप अपना राज्य चुनेंगे और उसके बाद अपना जिला चुनेंगे, तो उसमें डॉक्टर्स की लिस्ट आ जाएगी, और उन्हीं डॉक्टर्स के पास जाके आप अपना हेल्थ सर्टिफिकेट या मेडिकल सर्टिफिकेट बनवा लेंगे, और उसको भी आप अपने साथ लेकर जाएंगे, क्योंकि इसकी ज़रूरत आपको वहाँ जम्मू में पड़ेगी। तो आप हेल्थ सर्टिफिकेट या मेडिकल सर्टिफिकेट जरूर बनवा लें। तो ये डॉक्यूमेंट्स लगते हैं अमरनाथ यात्रा में। चलिए अब बात करते हैं कि अमरनाथ यात्रा के लिए आप पहुंचेंगे कैसे, यानी कहां पर और कैसे जाना पड़ेगा आपको अमरनाथ यात्रा के लिए। तो आप देश के किसी भी शहर में रहते हो, आपको सबसे पहले जम्मू या श्रीनगर पहुंचना होगा, लेकिन ट्रेन की जो कनेक्टिविटी है वो जम्मू तक ही है, श्रीनगर तक ट्रेन की कनेक्टिविटी नहीं है। तो जम्मू तक आप बाई ट्रेन अपने अपने शहर से जा सकते हैं, और अगर आप बाई फ्लाइट जाते हैं तो आप श्रीनगर पहुंच सकते हैं, श्रीनगर में एयरपोर्ट है। लेकिन मैं सबसे सस्ता तरीका बताने वाला हूं, तो इसमें मैं आपको ट्रेन का ही ऑप्शन बताने वाला हूं। तो आप ट्रेन के जरिए आसानी से जम्मू पहुंच जाएंगे, और जम्मू का जो रेलवे स्टेशन है वो है जम्मू तवी। तो अलग अलग शहरों से अच्छी तरह से जम्मू तवी कनेक्टेड है ट्रेन के जरिए, तो आप ट्रेन पकड़ के अपने शहर से जम्मू तवी जा सकते हैं। दोस्तों, जम्मू तवी रेलवे स्टेशन पहुंचने के बाद आप यहां पे ऑटो वाले को 50 रुपए देंगे और आप पहुंच जाएंगे भगवती नगर यात्री कैंप। भगवती नगर यात्री कैंप 10 से 15 मिनट में आपको ऑटो वाला पहुंचा देगा 50 रुपए में। यहाँ पे क्या है, तो दोस्तों जो भगवती नगर यात्री कैंप है यहाँ पे सरकार की तरफ से और अमरनाथ श्राइन बोर्ड की तरफ से यात्री निवास बनाया गया है, जहाँ पे आपका रुकने का और खाने की व्यवस्था हो जाएगी। तो यहाँ पे जो स्टे का ऑप्शन है, यहाँ पे बड़े बड़े हॉल बने हैं जहाँ पे बेड, तकिया, रजाई ये सब आपको दिया जाएगा, और पर बेड का वो चार्ज करते हैं 100 रुपए। तो आप 100 रुपए में यहाँ पे नाइट स्टे कर सकते हैं। और खाने की बात करें तो अमरनाथ यात्रा में आप कहीं भी जाएंगे, जहाँ जहाँ आप जाएंगे आपको खाने का 1 रुपए का खर्चा नहीं आएगा। अमरनाथ श्राइन बोर्ड, सरकार की तरफ से, सेना की तरफ से और विभिन्न एनजीओ की तरफ से खाने की पूरी व्यवस्था रहती है, और बहुत ही बेहतरीन खाना यहाँ पे मिलता है, जो भोले बाबा का प्रसाद मिलता है। और अगले दिन यानी नेक्स्ट मॉर्निंग क्या करना है आपको, नेक्स्ट मॉर्निंग भगवती नगर यात्री निवास से 2 जगह के लिए आपको बसें मिल जाएंगी। पहला है पहलगाम और दूसरा है बालटाल। जो अमरनाथ की यात्रा है वो शुरू होती है पहलगाम से और बालटाल, दो अलग अलग रास्ते हैं। तो आपको कौन सा चूज करना है ये मैं अभी आपको बाद में बताऊंगा, पहले जान लीजिए कि 2 रूट हैं, एक पहलगाम से और एक बालटाल से। तो आपको भगवती नगर यात्री निवास से दोनों जगह के लिए बसेज मिल जाएंगी। तो जिस दिन आप पहुंचेंगे उस दिन तो आप रात में यहीं पे स्टे करेंगे, लेकिन रात में स्टे करने के दौरान यहीं पास में बुकिंग काउंटर है, तो रात में ही आप
अगले दिन के लिए यानी सुबह के लिए बस बुक कर लीजिएगा टिकट्स, क्योंकि हो सकता है कि सुबह ना मिल पाए, भीड़ ज्यादा रहेगी, तो रात में ही आप बुक कर लेंगे तो आसानी से मिल जाएगी। रात में आप इस यात्री निवास में स्टे करेंगे और अगली मॉर्निंग सुबह आप बस ले लेंगे जिस भी रूट से आपको जाना है। अगर आपको पहलगाम जाना है तो पहलगाम के लिए बस बुक कर लेंगे रात में ही, और अगर आपको बालटाल से जाना है तो आप बालटाल के लिए बुक कर लेंगे बस रात में ही। अब सुबह आप क्या करेंगे, मान लीजिए पहले रास्ते की बात करते हैं पहलगाम की, तो अगर आप पहलगाम जा रहे हैं दोस्तों, तो पहलगाम की जो डिस्टेंस है वो यहाँ भगवती नगर यात्री निवास यानी जम्मू से जो डिस्टेंस है वो है 240 किलोमीटर, और बस के जरिए जो आपका खर्चा आएगा वो आएगा 600 रुपये, यानी जो बस की टिकट है वो 600 रुपये की पड़ेगी, और करीब 7 घंटे में आप पहलगाम पहुँच जाएंगे जम्मू से। और यहाँ पर पहुँचने के बाद क्या करेंगे, लगभग यहाँ पे भी रात हो चुकी होगी या शाम हो चुकी होगी, तो इस दिन आपको क्या करना होगा, पहलगाम में ही स्टे करना होगा। तो पहलगाम में आप नाइट स्टे करेंगे, और जो यहाँ पे रुकने की व्यवस्था है वो है टेंट, तो टेंट ही यहाँ पे आपको मिलेंगे, और टेंट में एक दिन के रुकने का खर्चा आएगा 300 रुपये। और खाने की बात करें तो फूड यहाँ पे भी आपको फ्री में मिलेगा, बहुत ही बेहतरीन खाना मिलेगा। तो नाइट स्टे के बाद आप नेक्स्ट मॉर्निंग अपने टेंट से निकलेंगे, और यहाँ से आपको शेयरिंग टैक्सी मिल जाएगी जो आपको ले जाके छोड़ेगी चंदनवाड़ी। तो चंदनवाड़ी अगला स्पॉट है जहाँ से आपकी ट्रेकिंग शुरू होगी। पहलगाम से आपको शेयरिंग टैक्सी मिल जाती है, और यहाँ से 16 किलोमीटर दूर है चंदनवाड़ी, और 150 रुपये में आपको चंदनवाड़ी टैक्सी पहुँचा देगी। अब चंदनवाड़ी आप पहुँच जाएंगे, उसके बाद क्या करना है, यहीं से आपका ट्रेक शुरू होना है। चंदनवाड़ी से जो अमरनाथ गुफा की दूरी है वो है 32 किलोमीटर, और ये 32 किलोमीटर आपको ट्रेक करके ही जाना पड़ेगा, और यहाँ चंदनवाड़ी से आपका ट्रेक अब शुरू हो जाएगा। अब आपको क्या करना है कि चंदनवाड़ी से जब आपका ट्रेक शुरू होगा तो पहला स्टॉप होगा आपका शेषनाग। शेषनाग की दूरी चंदनवाड़ी से है 12 किलोमीटर। शेषनाग आप पहुंचेंगे और यहाँ पे फिर रात हो जाएगी, तो आपको क्या करना होगा, फिर नाइट स्टे करना पड़ेगा। तो शेषनाग में भी आपको रुकने के लिए कैंप मिल जाएंगे जहाँ पे 400 रुपये पर नाइट का पड़ेगा, क्योंकि थोड़ा हाइट बढ़ती जाती है तो 300 से थोड़ा सा रेट बढ़ के 400 पर नाइट का यहाँ पे टेंट का चार्ज पड़ेगा। खाना यहाँ पे भी आपको फ्री में मिल जाएगा। अब अगली मॉर्निंग फिर उठेंगे आप और शेषनाग से आगे का ट्रेक शुरू करेंगे। तो अगले दिन क्या होगा, शेषनाग से आगे आपको जो अगला स्टॉप मिलेगा वो 14 किलोमीटर के बाद है पंचतरणी। पंचतरणी आप पहुंचेंगे, यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे आपको खाना खाना है। खाना यहाँ पे भी फ्री में मिल जाएगा, जो वहाँ पे श्राइन बोर्ड की तरफ से व्यवस्था है। उसके बाद खाना खाने के बाद आप आधा एक घंटा रेस्ट करेंगे, और पंचतरणी में नाइट स्टे नहीं करना है। वहाँ से 6 किलोमीटर पड़ेगा, यानी पंचतरणी से 6 किलोमीटर का और ट्रेक करेंगे तो आप मुख्य गुफा तक पहुँच जाएंगे, और यहाँ पे आप क्या करेंगे, दर्शन करेंगे, और फिर से यहाँ पे क्या करना है, नाइट स्टे करना है। तो यहाँ पे आप दर्शन करने के बाद फिर से नाइट स्टे करेंगे, और यहाँ पे भी जो रुकने का चार्ज है वो करीब 400 रुपये पर नाइट का पड़ेगा, और खाना यहाँ पे भी आपका फ्री में हो जाएगा। तो टोटल ये पहलगाम वाला रूट था जिसमें आपका ट्रेक करने में करीब 4 दिन लग जाएंगे। उसके बाद नाइट स्टे करेंगे, और फिर अगली सुबह आप यहाँ से वापसी करेंगे, और वापसी के दौरान आप चाहें तो सेम रास्ते को फॉलो करके आ सकते हैं, या फिर आप चाहें तो दूसरा रास्ता, यानी आप गए थे पहलगाम से और उतर आएंगे बालटाल वाले रास्ते से। अभी बालटाल वाला रास्ता मैं आपको बताऊंगा, तो उसकी चिंता मत कीजिए। अब चलिए बात करते हैं बालटाल वाले रास्ते की। तो जो आप जम्मू में यात्री निवास में रुके हैं, भगवती नगर यात्री निवास, वहाँ से जो बालटाल की डिस्टेंस है वो 360 किलोमीटर है, और यहाँ से जो बस का चार्ज पड़ेगा वो करीब 800 रुपये पड़ेगा, और 12 घंटे में बस आपको जम्मू से बालटाल पहुँचा देगी। अब बालटाल वाले रास्ते में क्या है कि जो आपका पहलगाम वाला रास्ता था वहाँ से ट्रेक था करीब 32 किलोमीटर, और बालटाल वाले रास्ते से आपका ट्रेक महज 14 किलोमीटर पड़ेगा। तो 14 किलोमीटर का ये ट्रेक है, तो जिस दिन आप जम्मू से पहुंचेंगे बालटाल, यहाँ भी रात हो चुकी होगी, तो बालटाल में आप टेंट में स्टे करेंगे, नाइट स्टे करेंगे, और यहाँ पे जो टेंट में रुकने का खर्चा है वो भी 400 रुपये पर नाइट का पड़ेगा। अब अगली मॉर्निंग क्या करना है, आपको बालटाल से निकलना है, और 14 किलोमीटर का ट्रेक आप एक दिन में ही कंप्लीट करके शाम को केव तक पहुंच सकते हैं, यानी जो पवित्र गुफा है वहां तक पहुंचेंगे और भोलेनाथ के दर्शन करेंगे, और फिर वहां पे नाइट स्टे करेंगे, और अगली रात आप वापसी कर देंगे। तो ये कुछ है, बालटाल वाले रास्ते में आपको सिर्फ 2 दिन लगेगा, जबकि पहलगाम वाले रास्ते में आपको 4 दिन लगेगा। तो चलिए आप बात करते हैं कि दोनों रास्ते में से कौन सा बढ़िया रास्ता होगा। तो पहलगाम वाला रास्ता जो है ये सबसे पुराना रास्ता है और सबसे ज्यादा लोगों द्वारा उपयोग में लाया जाता है। अब आप सोच रहे होंगे ऐसा क्यों, क्योंकि ये तो बहुत लंबा है, 4 दिन लग जाएंगे।
लेकिन इसका कारण ये है कि इसमें चढ़ाई कम है, इसका स्लोप कम है और खड़ी चढ़ाई नहीं है, तो इस वजह से ज्यादातर लोग यही वाला रास्ता अपनाते हैं। टाइम भले ज्यादा लग जाए लेकिन आसानी से पहुंच जाएं। जबकि बालटाल वाला रास्ता जो है वो भले ही 14 किलोमीटर है लेकिन इसमें खड़ी चढ़ाई है और आपको थोड़ी थोड़ी दूर में ही सांस फूलने लगेगी, तो ऑक्सीजन की भी कमी हो जाती है। तो जो यंग लोग हैं वो बालटाल वाला रास्ता अपनाते हैं, जबकि जो थोड़ा वृद्ध किस्म के लोग हैं या फिर फिटनेस जिनकी कम है वो लोग ज्यादा करके पहलगाम वाला ही रास्ता अपनाते हैं। एक ऑप्शन और है आपके पास कि आप पहलगाम वाले रास्ते से जा सकते हैं और उतर सकते हैं बालटाल वाले रास्ते से। ज्यादातर लोग यही करते हैं, जो जाते हैं वो पहलगाम वाला रास्ता अपनाते हैं और लौटते टाइम बालटाल वाले रास्ते से आ जाते हैं, तो दोनों रास्ते का मजा मिल जाता है और दोनों तरफ का व्यूज देखने को मिल जाता है। तो ये ऑप्शन है आपके पास, आप चाहें तो पहलगाम वाले रास्ते से जा सकते हैं, चाहें तो बालटाल वाले से जा सकते हैं। ये तो हुई रास्तों की बात, चलिए अब बात कर लेते हैं कि आपका इसमें कितने दिन लगने वाले हैं, यानी इस अमरनाथ यात्रा में आपके कितने दिन खर्च होंगे, और उसके बाद सबसे ज़रूरी चीज़ इसमें टोटल खर्चा कितना आएगा। तो जो अमरनाथ की यात्रा है इसमें मैंने आपको पहले ही बताया, अगर आप पहलगाम वाले रास्ते से जाते हैं तो आपका 4 दिन लगेगा, और ये जो यात्रा है ये जम्मू से जम्मू तक की है, यानी जो आपका इनिशियल पॉइंट है वो भी जम्मू है और फाइनल पॉइंट लौटकर जम्मू तक, तो इसमें 4 से 5 दिन लग जाएगा पहलगाम वाले रास्ते में। और बालटाल वाले रास्ते में आपका 2 से 3 दिन लगेगा, 3 दिन मान लीजिए आप जम्मू से लेकर के जम्मू तक जाने में। तो ये है आपका यात्रा कितने दिन लगेंगे, यानी नंबर ऑफ डेज की बात हो गई। चलिए अब बात करते हैं खर्चे की। तो अगर आप बालटाल वाला रास्ता अपनाते हैं तब आपका खर्चा कम पड़ेगा, वहीं पर अगर आप पहलगाम वाला रास्ता अपनाते हैं तब आपका खर्चा ज्यादा पड़ेगा। बालटाल वाले रास्ते की बात करें तो आपको 2 नाइट स्टे करने की जरूरत पड़ेगी, जिसमें आपका खर्चा आ जाएगा 400+400, यानी 2 दिन का 800 रुपए। वहीं पे जो बस का किराया था आपका जम्मू से बालटाल के लिए और वापसी में बालटाल से जम्मू के लिए, वो आपका 800+800 पड़ जाएगा, 1600 रुपए। और जो आप रेलवे स्टेशन से गए थे यात्री निवास तक, वो किराया आपका 50 रुपए जाने का और वापसी में 50 रुपए आने का, तो वो 100 रुपए पड़ जाएगा। तो बालटाल वाले रास्ते से आपका कुल खर्चा करीब 2500 रुपए, यानी 2500 के आसपास लग जाएगा कम से कम बजट में। वहीं पे अगर आप पहलगाम वाला रास्ता अपनाते हैं तो इसमें आपको 4 रात रुकने की जरूरत पड़ेगी और 4 नाइट के स्टे का खर्चा आएगा, 400 × 4 करेंगे आप तो करीब 1600 रुपए हो जाएगा। वहीं पे बस का जम्मू से पहलगाम जाने और पहलगाम से जम्मू तक आने का खर्चा होगा 600+600, करीब 1200 रुपए हो जाएगा। और रेलवे स्टेशन से यात्री निवास का खर्चा जाने और आने का 50+50 रुपए, यानी 100 रुपए। तो पहलगाम वाले रास्ते में आपका टोटल खर्चा हो जाएगा 3800 रुपए। ये है कम से कम बजट, अगर आप मेरे हिसाब से चलेंगे तो आपका इतना बजट आएगा। चलिए अब बात कर लेते हैं कि जो लोग पैदल ट्रेक नहीं कर सकते उनके लिए क्या ऑप्शन है। जो बालटाल वाला रास्ता है उसमें तो कम ऑप्शन है, वहां पे बहुत कम घोड़े खच्चर पालकी मिलेंगे, लेकिन पहलगाम वाले रास्ते में आपको घोड़े खच्चर पालकी सब कुछ मिल जाएगा। तो यहाँ पे आपको अलग अलग चार्जेस पड़ेंगे। अगर बात करें घोड़े की, तो आप जो पहलगाम वाला रास्ता कवर करेंगे उसमें करीब 8 से 10 हजार रुपए घोड़े का खर्चा पड़ जाएगा एक साइड का। वहीं पे अगर बात करेंगे पालकी का, तो पालकी का खर्चा करीब आएगा 25 हजार रुपए के आसपास, जो 32 किलोमीटर का पूरा ट्रेक है। और अगर बात करें तीसरे ऑप्शन की, तो यहाँ पे हेलीकॉप्टर भी चलती हैं, तो हेलीकॉप्टर का अगर आप दोनों साइड कर लेंगे तो वो करीब आपका 7 से 8 हजार रुपए में बुक हो जाएगा यहाँ से पहलगाम वाले रूट से, और बालटाल वाले रूट में ये करीब 5 से 6 हजार तक आएगा। तो दोस्तों ये थी संपूर्ण जानकारी अमरनाथ यात्रा से संबंधित। उम्मीद करते हैं वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए, साथ ही साथ चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम आपके लिए यात्रा से संबंधित ऐसी ही वीडियोस लाते रहते हैं।